यामाहा की R5 V3 को तो आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, काफी ज्यादा पॉपुलर बाइक है इंडियन मार्केट के अंदर और काफी ज्यादा अच्छी सेल्स फिगर पाती है ये बाइक जब से ये इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हुई है। एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंजन आप लोगों को मिल जाता है, माइलेज अच्छा मिल जाता है, लुक डिजाइन भी बहुत ही ज्यादा बेटर है। यामाहा ने जब इस बाइक को लॉन्च किया था तो ये बाइक तब से ही काफी ज्यादा पॉपुलर है, बट काफी लोगों की डिमांड थी यार इसको अपग्रेड किया जाए, कुछ और चीजें इसके अंदर दी जाए। PS4 से PS6 में ये बाइक कन्वर्ट हुई तो कहीं ना कहीं इसके पावर फिगर जो है वो थोड़े से डाउन हो गए। बात करते हैं यामाहा की R5 वर्जन 4 को, तो आप लोगों ने देख ही रखा होगा काफी ज्यादा टेस्टिंग चल रही थी इंडिया के अंदर। कुछ है जो एक इमेज अभी लीक हुई है, पूरी तरीके से ये बाइक अनकवर है तो काफी ज्यादा चीजों का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बाइक कैसे होने वाली है। यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ की इमेज आप लोग देख रहे हो जो आपके सामने में है, इंडिया की ही है और किसी मतलब कोई हाईली बड़ा सा शोरूम होगा यामाहा का, यहाँ पर इस बाइक को ऐसे ही करके शोकेस किया गया है। इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हो कि ये बाइक बहुत ही जल्द आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाली है। मैं सबसे पहले आप लोगों को लॉन्च डेट ही बता दूँ क्योंकि जिसके लिए आप लोग सबसे ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो भाई अगर आप दिवाली तक वेट कर सकते हो तो डेफिनेटली वेट कर लो, और हमें इस बाइक का नाम रखना है R15। तो भाई यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को बात करती हूँ इस बाइक के डिजाइन के बारे में, फिर बाकी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए इमेजेस में आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से ये बाइक अनकवर है। यहाँ पर जो सबसे पहले आप लोगों की नजर जाने वाली है वो है इसके लुक्स और डिजाइन की तरफ। यहाँ पर अगर आप लोग लुक देखोगे तो ये बिल्कुल ही आपकी जो V3 है उससे बिल्कुल ही हट करके है, बट मुझे ये लुक डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। सबसे पहले आप लोगों को बीच के अंदर आप लोगों को प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिल जाती है। एज अगर मैं यूं कहूँ की R7 जो इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च करी है तो पूरी फेयरिंग जो रहने वाली है फ्रंट की वो ऑलमोस्ट उसी जैसे सिमिलर है। यहाँ पर आप लोगों को साइड में DRS देखने को मिलेंगे, काफी ज्यादा स्लीक से DRS है जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं जिस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड थी कि भाई है USB फोक्स। या दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ के R5 वर्जन 4 में USB फोक्स देखने को मिलेंगे, या फिर R15M में आप लोगों को USB फोक्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चीजों की तरफ अगर आप थोड़ी बहुत नजर डालो तो कुछ चीजें सिमिलर है, जैसे कि आपके R5 V3 में आती है लाइक जो मिरर्स है वो एग्जैक्टली सेम है। वहीं अगर आप वाइजर देखोगे तो वो भी ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है आप लोगों का। फ्रंट टायर साइज और बाकी सारी चीजों में भी देखोगे तो वो भी ऑलमोस्ट सेम है, वो मैं आप लोगों को आगे चलकर बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट में भी काफी ज्यादा चेंजिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर आप एग्जॉस्ट देखोगे तो मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा मतलब यार थोड़ा सा लाउडर बनाने की कोशिश की गई है यामाहा ने, क्योंकि एक स्पेशल वेरिएंट रहने वाला है R1M तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस तो होना चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज है। और अगर आपको फेयरिंग में देखो इसमें इमेजेस में काफी ज्यादा लाइट पड़ रही है, उससे अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन काफी पता लग रहा है कि जो आपकी फेयरिंग है ना उसमें भी काफी हद तक लोगों ने चेंजेस की हैं। और पीछे की साइड से तो अभी कोई इसकी वेट आई नहीं है जो पहले यानी कि जब ये स्पाई शॉट में ली गई थी उसी टाइप की, जैसे कि आपके R5 वर्जन 3 की लाइट्स हैं टेल लाइट जैसी हैं एग्जैक्टली वैसी ही रहने वाली है। यहाँ पर मैंने आपको सारी की सारी चीजें देखने को बता दी कि भाई क्या क्या चीजें चेंज देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ और फीचर्स एड ऑन देखने को मिलेंगे लाइक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर आप लोगों को इस बाइक में देखने को मिलने वाला है, बेटर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और आपको शायद हो सकता है कि कुछ और फीचर्स एड ऑन करके दे दे यामाहा, स्पेशली R15M में आप लोगों को हो सकता है कुछ और फीचर्स एड ऑन होने को देखने को मिले। ये एग्जैक्टली सेम वही इंजन होने वाला है जो आपको अभी तक R15 V3 में देखने को मिला है, यानी 155cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लायंट इंजन जो कि आपको 18.3 bhp का मैक्सिमम पावर 10,000 rpm तक देने वाला है, और 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क आप लोगों को 8,500 rpm पे मिलेगा। 6-speed का ट्रांसमिशन रहने वाला है, इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। वैसे आप लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि यार इस बाइक का थोड़ा सा पावर इंक्रीज किया जाए, और आप लोगों ने भी सुना होगा कि अभी R2 आ रही है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि R15M अलग हो सकती है और R2 भी इंडियन मार्केट के अंदर आ सकती है। यहाँ पर अगर मैं लुक और ग्राफिक्स के बारे में बात करूँ तो आपको मॉन्स्टर एडिशन में देखने को मिल रही है जो आप लोगों को MotoGP एडिशन आता है, अभी कोई मतलब कलर्स में तो देखने को नहीं मिली, बट हाँ फाइनली जहाँ तक मुझे लगता है जब इस बाइक को इस तरीके से देख लिया गया तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर आप लोगों को और बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर कंपनी में वो कमी कुछ कमियां ऐसी हैं जो वैसी की वैसी रखी हैं। यहाँ पर यार इंडिकेटर अगर ये लोग LED कर देते ना तो क्या ही कहने थे, मतलब यहाँ पर अभी भी हैलोजन लाइट्स हैं। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें प्राइस के बारे में तो भाई प्राइस डेफिनेटली कुछ तो बढ़ेगा, मैं ये नहीं कह सकता कि 10-15 हज़ार रुपये बढ़ जाएंगे, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि 5 से 8 हज़ार रुपये के बीच में कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये होगा कि भाई यार कोई दूसरी डिस्काउंट नहीं रहेगी,
तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्काइव इसकी कंटिन्यू रहेगी, बट ये जो एम वाला वेरिएंट है ना, ये शायद आप लोगों के ऑर्डर पे मिले या फिर कैसे मिले, देखते हैं। जैसे जैसे कोई और न्यूज निकल के आएगी तो वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर कहीं अगर आप डायमेंशन में भी जाओगे तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, डायमेंशन में एक्जैक्टली सेम नहीं रहेगी, थोड़ा बहुत आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। माइलेज वही रहने वाला है आपका 40-45 के आसपास में, 11 लीटर का फ्यूल टैंक आप लोगों को मिल जाएगा। सस्पेंशन में यूएसडी फोर्स मिल रहे हैं, रियर में मोनोशॉक अवेलेबल रहने वाला है। टायर साइज भी एक्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम रहेगा, 100% का आपको फ्रंट में टायर देखने को मिलेगा, 140% आपको रियर में टायर देखने को मिल जाएगा। जो पीछे वाला टायर रहने वाला है वो आपका रियर टायर रहेगा, शायद आप लोगों को स्विचेबल ईबीएस दे दी जाए कंपनी की तरफ से, बट नॉर्मली आप लोगों को डुअल चैनल ईबीएस देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग क्या रहे हैं R15M को लेकर के, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और आप लोगों को क्या लगता है जैसे ये इमेजेस में कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है और रियल लाइफ में कैसी लगेगी, बट मुझे लगता है कि रियल लाइफ में ये बाइक हो सकता है और भी ज्यादा अच्छी लगे। भाई मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आ रही है, आप लोगों को क्या कहना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।